स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षा विभाग और समेकित बाल विकास अधिकारियों से बच्चों की संख्या विभाग को भेजने के लिए कहा है ताकि बच्चों को संख्या अनुसार योजना बनाई जा सके। यह बात बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कार्यशाला में सीएमओ डॉक्टर सावित्री कटवाल ने कही। इसकी अध्यक्षता डीसी मदन चौहान ने की। कार्यशाला में शिक्षा स्वास्थ्य समेकित बाल विकास परियोजना अधिकारी प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्य निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डीसी ने बताया कि अगस्त में टीकाकरण शुरू होगा। हर स्कूल या टीकाकरण शिविर से बच्चों को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा टीकाकरण किया जाएगा। खसरा रूबेला वैक्सीन से बच्चों की शिशु मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। इस टीकाकरण अभियान में सभी संबंधित विभागों की भागीदारी रहेगी और इस अभियान के अंतर्गत सभी 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को अगस्त से खसरा रूबेला वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से यहां पे बॉयज स्कूल हमीरपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जो कि मीजल और रूबेला वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देने के बारे में है। इसमें सभी बीएमओज बुलाए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे मुख्य डिपार्टमेंट है जो इससे अफेक्टेड हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईसीडीएस डिपार्टमेंट, उनके अधिकारी और कर्मचारियों को भी बुलाया गया है। ये एक नया वैक्सीनेशन है जो भारतवर्ष में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और टारगेट है कि पूरे भारत में 41 करोड़ बच्चों को जो है वैक्सीनेट करने का टारगेट है 2 साल के अंदर। हमारी स्टेट हिमाचल जो है वो इस मिशन के तहत इसी साल इसको लाया गया है। 15 अगस्त से अगस्त और सितंबर में इसको हमने स्टेट में कंप्लीट करना है। इसी प्रकार हमारे ज़िले में भी ये जो ऑपरेशन है वो 15 अगस्त इस साल से और 15 सितंबर तक लगभग चलेगा, जिसमें 9 महीने के बच्चे से लेकर और 15 साल के बच्चे तक को इम्यूनाइज करना है। मैं यहाँ ये थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसमें हरेक बच्चा 100% बच्चा कवर करना अनिवार्य है ताकि कोई बच्चा छूट ना जाए, चेन टूट ना जाए। और जिन बच्चों को, कई पेरेंट्स को ये थोड़ा डाउट रहता है कि मेरे बच्चे को तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने टीका लगा रखा है, तो भी अगर वो बच्चा 9 महीने और 15 वर्ष के बीच में है उसको भी इम्यूनाइज करना आवश्यक है, उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो मैं हरेक हमीरपुर निवासी जिनके बच्चे 9 महीने और 15 साल के बीच के हैं आग्रह करूंगा कि वो इंश्योर करें, कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन स्कूल में इम्यूनाइजेशन हो रही है बच्चा स्कूल में नहीं है तो वो इससे छूट जाए। इंश्योर करें कि उनके बच्चे को जो है ये टीका लगा है और वो उसको जो है इसका लाभ मिल सके। साथ ही मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईसीएस डिपार्टमेंट से भी आग्रह करूंगा कि वो 100% कवरेज इसमें सुनिश्चित करें स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से। इस मौके पर डॉक्टर कटवाल ने बताया कि डॉक्टर अक्षय व्यास WHO और डॉक्टर नरेश भारद्वाज MOH द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा।